नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रचना बंसल। सुबह सुबह आपके घर में नाश्ता बन रहा होगा, फिर लंच बनेगा और फिर डिनर बनेगा। आपके घर में मसालों की खुशबू जरूर फैलेगी। ये मसाले आज आपकी किस्मत बदलेंगे। यही जानने के लिए हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। माता रानी सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। आज का विषय जानकर महिलाएं बहुत खुश होंगी, क्योंकि आज हम आपके लिए किचन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं आज मसाले से जुड़े कौन से विषय हम लेंगे। कुंडली के ग्रहों को कैसे मजबूत करते हैं किचन में रखे मसाले। किचन के किस कोने में छिपा है आपका दुर्भाग्य। किचन में रखे मसालों से कैसे चमकेगी आपकी किस्मत। स्वाद बढ़ाने वाले मसाले का अचूक टोटका जानिए। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कर सकते हैं। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ पर मिलेंगे। गुरुदेव, आप हमारे जीवन की जुड़ी बहुत सी परेशानियों का समाधान उस हमारे दर्शकों को बताते हैं। आज किचन स्पेशल में तो हमारा शो देख रही महिलाओं को बताइए कि किचन में रखा हुआ मसाला आप जैसे कि तेजपत्ता, हल्दी, मिर्च और धनिया, इन सबसे परिवार की किस्मत को हम कैसे चमका सकते हैं। बेटा, जैसे ग्रह जन्म कुंडली के हमारे पे असर करते हैं, इसी प्रकार से इन ग्रहों से जिस जिस ग्रह से जो जो मसाला उत्पन्न हुआ है बेटा, यही इस्तेमाल जब हम करते हैं वो ग्रह जितने पूर्वज रहे बेटा, और जो खास तौर पे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने इस चीज की खास तौर पे खोज करी। और आप सब एक बार शायद जानते ही हैं कि ये जो मसाले हैं सिर्फ भारत देश के अंदर ही ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं और हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एक साइंस है बेटा। कारण ये है कि जब आप पैदा हुए उस वक्त हो सकता है कि कोई एक ग्रह बाकी ग्रहों के पीछे चला गया। जो ग्रह आगे होते हैं उनकी ऊर्जा, उनकी ताकत, उनकी वर्किंग हमारे शरीर के अंदर हमेशा ज्यादा होती है, और जो ग्रह पीछे रह जाते हैं उनकी बहुत कम ताकत हमें मिलती है। जैसे ज्यादातर ग्रहों की ऊर्जा अगर हमारे अंदर ठीक रहेगी तो बेटा ऐसे में बीमारियां भी कम से कम होती हैं। बल्कि इसके विपरीत बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ज्यादा मसाले खाने से शरीर खराब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वाकई में हमारे घरों में गर्म मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है वो एक तरह का हमारा ट्रीटमेंट है। ज्यादातर हमें बीमारियों से दूर रखता है, पेट की प्रॉब्लम से दूर रखता है और हमें अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि भी देने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए तेज पत्ता है। जिन भी लोगों को आंखों की दिखते हैं, आंखें उनकी कमजोर हो जाती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर रहता है, अपने आप से बातें करते रहते हैं और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए डबल माइंडेड हो जाते हैं बेटा, ये होती है सूर्य की कमी। और सूर्य जब कमजोर होता है अपनी जन्म कुंडली के अंदर उस वक्त में ये प्रॉब्लमें होती हैं। और ऐसे लोग अगर अपने मसाले के अंदर ज्यादा से ज्यादा तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो बेटा सूर्य की ऊर्जा की जो कमी उनके शरीर के अंदर है उसकी वो पूर्ति करता है। इसी प्रकार से जो लोग बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं कर पाते हैं और वक्त के ऊपर जब हिम्मत की जरूरत होती है उसके ऊपर चूक जाते हैं, जिनको खून से संबंधित दिखते हैं, समझे, उनका होमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है या उसके अंदर कुछ ना कोई कमी ऐसी चलती है, खून की खराबी की वजह से आपको अगर बीमारियां बहुत आ रही हैं, तो बेटा ऐसे में अगर आप लाल मिर्च का थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते हैं तीनों वक्त के अंदर, वो आपके खून को साफ करने का और उसके अंदर जो आए हुए जो बुरी चीजें हैं उनको मारने का काम करती है, जिसके कारण आपका खून का सर्कल भी अच्छा होगा और खून सुदृढ़ भी बनेगा। शहद और लाल मिर्च इन दोनों का लगभग एक ही काम है, एक कड़वा है दूसरा मीठा है। इसी प्रकार से बेटा जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज तीक्ष्ण नहीं होती, जो एकदम से इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले पाते और जिन लोगों में चालाकी नहीं होती, अगर वो लोग
जीरे और साबुत धनिये का प्रयोग करें, क्योंकि ये दोनों ही जीरा साबुत धनिया ये दोनों ही मसाले जो है ये राहु से संबंधित है बेटा, और राहु ही वो ताकत है जो हमें इंस्टेंटली बिल्कुल एकदम से कोई विचार देते हैं, और इमीडिएटली आया हुआ विचार और जो कि अच्छा हो आपके काम को अच्छा करने के लिए, आपके डिसीजन को अच्छा करने के लिए जो विचार आता है बेटा वो राहु देता है। और जिनमें ये कमजोरी हो वो साबुत धनिया और जीरे का प्रयोग करें बेटा, उनका राहु अच्छे पे अच्छा होता चला जाता है। आप बाहर से नग पहनते हैं ना राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गोमेज का नग पहनते हैं, जो लोग ये नहीं पहनना चाहते वो धनिये का साबुत धनिये का और जीरे का प्रयोग करें, शरीर के अंदर राहु की ऊर्जा वो कम्प्लीट होने लगेगी। इसी प्रकार से बेटा बृहस्पति, जिनके मान लो जुकाम रहता है, साइनस जिनको लगा रहता है, और जो लोग बहुत चिचड़े हो जाते हैं अपनों के साथ ही बेमतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ते रहते हैं, जिनमें याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है, इनके लिए दालचीनी मुलट्ठी और हल्दी, इसका प्रयोग वो जितना ज्यादा करेंगे बेटा उतने ही ज्यादा अच्छे हालात इनको प्राप्त होते चले जाएंगे, बृहस्पति के गुण अंदर बढ़ते चले जाएंगे, याददाश्त भी अच्छी होगी, सांस लेने के यानी कि सांस लेने में अगर कोई अवरोध है उसके अंदर भी कोई दिक्कत है, या फेफड़ों से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, या उसमें पानी भर जाता है, याद रखने से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, या इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन और नेगेटिव सोचना कि जिसके कारण घर में कलेश ही पड़ा रहे बेटा, इन लोगों को दालचीनी मुलट्ठी और हल्दी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसके बाद बेटा जिन लोगों को वाकई प्लान बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बीच में ही वो अपनी बुद्धि को पकड़ के बैठ जाते कि कोई आइडिया नहीं आ रहा, कोई प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहा, बार बार वो लॉजिकल बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन लॉजिकल बात उनके मुंह से नहीं निकलती, ये बुद्ध की कमी होती है। और ऐसे लोगों को प्रॉब्लम में और साथ में क्या होती है बेटा, उनके दांतों के अंदर कोई ना कोई दिक्कत वो बनी रहती है, नसों के अंदर कोई फड़कन या नसों की खराबी या नसों का चढ़ना, ये सारी प्रॉब्लम में भी बुद्ध की खराबी के कारण होती है। और खास तौर पे पेट की जो बड़ी आंत होती है इसके लिए भी कोई ना कोई दिक्कत उन लोगों को हो सकती है, ये बुद्ध की खराबी के सिम्टम्स होते हैं। और खास तौर पे स्किन के ऊपर अगर कोई एलर्जी हुई रहती है, ये फटती है या किसी भी तरह का सोरेसिस वगैरह की भी दिक्कत होती है, ये जिनके बुध खराब होते हैं बेटा उनको ये प्रॉब्लम में आती है। ऐसे लोगों को बुध की जो स्टिक वस्तु यानी कि छोटी इलायची हरे रंग की हो और बड़ी इलायची यानी कि बुध और शनि मिश्रित, समझे, उनको छोटी बड़ी इलायची का प्रयोग वो जितना ज्यादा करेंगे इन मुसीबतों से बचेंगे और बुद्धि भी इसके साथ में बढ़ती चली जाती है। ये प्लानिंग बनाने की बुद्धि जो भी होती है बेटा वो बुध देता है, और इंस्टेंटली जवाब देने की जो बुद्धि होती है वो राहु देता है। इन दोनों बुद्धियों के अंदर फर्क है बेटा, तो इसके हिसाब से अगर आप अपना मसाला चूज करेंगे वो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा बेटा। अब जिन मसालों में भी खट्टेपन का एहसास आता हो, शायद मैं पूरे मसाले वो नहीं जानता, इसके अंदर आमचूर खास तौर पे है बेटा। जिन लोगों को बेटा शरीर के अंदर जोश की कमी हो, जिनके बार बार स्किन के ऊपर छोटी छोटी छोटे छोटे चकते बनते हो, ठीक है, और इंसान के अंदर काम को पूरा करने का जोश ना हो और नेगेटिव सोच भी हो उसकी, यानी कि हर किसी के साथ में रहकर उसकी के अंदर कमियां निकाल करके अपने आप को अलग करना, अगर ये प्रॉब्लम है जिनके अंदर हो बेटा, उन लोगों को आमचूर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, इससे शुक्र और केतु दोनों ही अच्छे होते हैं बेटा। तो बेटा ये खाने की थाली में जो आपके मसाले भी आते हैं बेटा, ये एक तरह का आपका ट्रीटमेंट है, इनसे बचना नहीं है, इनको इस्तेमाल करना है। गुरु जी बात आज मसालों की हो रही है, आपने बताया कि कैसे मसालों से हम किस्मत को चमका सकते हैं, अब जरा ये आप बताइए कि किचन में रखे हुए कौन से मसाले से हम कौन सा ग्रह अपना मजबूत कर सकते हैं। अगर मंगल कमजोर है तो उसके लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल आपके लिए बहुत बेहतर है, और अगर बृहस्पति को मजबूत करना है और अच्छा करना है तो आप दालचीनी मुलट्ठी और हल्दी का प्रयोग करो, और अगर आपने अपने बुध को मजबूत करना है तो छोटी इलायची और बड़ी इलायची इसका प्रयोग करो, शनि को बहुत अगर आपने अच्छा करना है तो बेटा लौंग का प्रयोग और काली मिर्च का प्रयोग सबसे उत्तम है, शनि और शुक्र जो कि मियां बीबी के सुखों के लिए, और अगर किसी इंसान को मियां बीबी के सुखों में अगर दिक्कत आ रही है तो बेटा वो जितनी ज्यादा काली मिर्च का प्रयोग करेगा उतनी ही जल्दी उसकी मुसीबत दूर होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई स्किन की दिक्कत आ रही है बेटा, स्किन कट जाती है फट जाती है,
समझिए, या सोराइसिस वगैरह हो जाता है तो बेटा ऐसे लोगों को इलायची का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आंखों की दिक्कतें बार बार आ रही हैं, वो अपने खान पान में अगर तेज पत्ते का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं और दिन के अंदर वैसे भी एक दो तेज पत्ते चबा लेते हैं तो उनके लिए सबसे उत्तम रहेगा। और खासतौर पर जिनके मुंह के अंदर हर वक्त पानी आता रहता है, ये भी सूर्य की कमी है बेटा, समझिए, उन लोगों को भी तेज पत्ते का प्रयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरह से मसालों को इस्तेमाल करके हम अपने ग्रहों को अपने आप भी ठीक कर सकते हैं। गुरु जी, हालांकि आपने अभी बताया कौन से मसाले के इस्तेमाल से कौन सा ग्रह मजबूत होता है, आपने काली मिर्च और लौंग के बारे में भी जिक्र किया। हमने काली मिर्च और लौंग के बारे में बहुत से टोटके सुने हैं, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इनका इस्तेमाल किसे करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। बेटा, काली मिर्च शुक्र और शनि मिश्रित होती है, ठीक है, और लौंग शनि और राहु मिश्रित होता है। इसीलिए जो बहुत सारे लोग कई प्रयोग करते हैं, जिन्हें आप टूटके भी बोल देते हैं, उसके अंदर इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लाल मिर्च को भी इसमें इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो मंगल पद की बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो बेटा अब इसके अंदर जिन लोगों को सच में बीमारी बहुत रहती है और जिन लोगों के यहाँ पर उनकी मानसिकता हर वक्त दुखी ही रहती है, इमोशनल होकर के रोते हैं, अपनों के अंदर कमियां निकालते रहते हैं और कोई काम भी पूरी तरह से कर नहीं पाते, उन लोगों को इन्हीं वस्तुओं का यानी कि काली मिर्च और लौंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए खाने में। और साथ ही इसको उपाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग देख करके वो अपने सर से 7 बार उतार करके अगर उसको वो जलप्रवाह कर देते हैं तो बेटा ये बहुत ही उत्तम उपाय है। खास तौर पर जिनके यहाँ घर में एक के बाद एक बीमारियां लगी रहती हैं और कोर्ट कचहरी भी साथ में है, इस बात को मत भूलिएगा, अगर कोर्ट कचहरी भी साथ में है और बीमारियां भी लगी रहती हैं तो बेटा ये शनि और राहु की मिश्रित चीज है। अगर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से साबुत लौंग लेकर के बेटा इनको अपने सर से 7 बार उतार करके 43 दिन लगातार जलप्रवाह कर देते हो तो ये शनि और राहु इन दोनों का बुरा फल आपकी कुंडली से खत्म करके आपको सुकून देगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। बस फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए या फिर अपनी परेशानी आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें मेल कर दीजिए। गुरुदेव हमारे साथ भिवानी से अमन कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अमन जी, स्वागत है आपका। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वर्ग और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल कीजिए। गुरुजी, मेरा नाम अमन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 1990 है, मैं सुबह 5 बजे पैदा हुआ था। और गुरुजी, मेरा पढ़ाई में बहुत पहले मन लगता था और मैंने बीए भी पास करी अच्छे मार्क्स लेके, लेकिन मैंने 4-5 जगह इंटरव्यू दिए, मेरी जॉब नहीं लग पाई। गुरुजी, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूँ। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर बहुत अच्छे योग भी बैठे हुए हैं जो कामयाबी तो जरूर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक हो गई कि ये समय के ऊपर जो राहु की दशा चल रही है और तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र, शनि और राहु का ये जो मेल बन गया है वो तुम्हें दुखी कर रहा है, उसकी वजह से तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही। अब इसको जब तक बेटा तुम ठीक नहीं करते तब तक तुम्हारे रास्ते में आने वाली जितनी बाधाएं वो वैसे ही बनी रहेंगी और तुम नहीं निकल पाओगे जब तक राहु की दशा चल रही है। इसलिए बेटा इसको ठीक करो और इसके ठीक होते ही परमात्मा की दया से तुम्हें मनचाही नौकरी और वाकई में बहुत अच्छी ऐसी नौकरी जिसके अंदर, जिस पद के ऊपर तुम रहो, जिस हिस्से में तुम जाओगे उसके सर्वोच्च पद पे पहुंचोगे, बेटा इस तरह के हालात है तुम्हारी कुंडली के। और कठोर से कठोर यानी कि बड़े से बड़े फैसले तुम लेकर के अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओगे बेटा। और वो उपाय है, सबसे पहले दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को 10 को खाना खिलाओ बेटा, और ये हर साल जरूर खिलाना। दूसरा, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करो। और तीसरा, 43 दिन ही लगातार बेटा एक नारियल पूजा वाला और 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के ये या तो गरीबों में दान दे दो या बेटा जल प्रवाह करो। जिस दिन ये तीनों उपाय हो गए बेटा, एक भी बाधा तुम्हारी कुंडली पे ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें नौकरी पे और बल्कि बहुत अच्छी नौकरी पे पहुंचने से रोक सके। मात्र इतने से उपाय करो और जीवन के अंदर सुखी रहो।
गुरुजी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक फेसबुक कॉलर अनिल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान के उदयपुर से। अनिल जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वर्ग, जन्म का स्थान बताइए और फिर आप अपना सवाल गुरुदेव जी से कर सकते हैं। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1972, टाइम है 1:30 PM और स्थान है उदयपुर, राजस्थान। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरु जी, एक तो मैं मकान बनाना चाहता हूँ, मेरा प्लॉट पड़ा हुआ खुद का, और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे क्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली गई और जो जिससे पैसा मांगता हूँ वो दे ही नहीं रहे। बेटा, तुम्हें गुस्सा कितना आता है और तुम्हारी पत्नी को गुस्सा कितना आता है? गुरु जी, पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ज्यादा ये कहती है मैं तो मरने चली जाऊंगी, वैसा किया वैसा किया। और तुम्हें गुस्सा कितना आता है? गुरु जी, मुझे आता है पर मैं शांत स्वभाव का ज्यादा रहता हूँ, इंट्रोवर्ट ज्यादा हूँ। तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे क्या हालात रहे बेटा? गुरु जी ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा भी नहीं है और ज्यादा बातचीत भी नहीं है। और तुम्हारे बेटे कितने हैं? एक बेटा है गुरु जी। ठीक है, अब सुनो बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल, बुध और शुक्र का मेल अष्टम भाव का बेटा ये बहुत खराब है, इसको बोलते हैं मंगल बध। और जिस इंसान का भी मंगल बहुत बुरा हो जाता है यानी कि बध हो जाता है, उसके पास में पैसे की समस्या सदा रहती है, काम के अंदर सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलती, जो जमा पूंजी इंसान के पास नहीं हो पाती। और अगर तुमने शराब पी तो फिर तुम दुनिया के साथ में सोशल भी नहीं हो पाओगे और ये कमी की वजह से बेटा तुम्हारे कामकाज के अंदर की तरक्की कम होगी और खास तौर पे जब तुम मकान बनाओगे उसके बारे में धन की कमियां बहुत बढ़ी आएंगी तुम्हारे पास, ये दूसरी बात। तीसरा बेटा, यही योग शुक्र अष्टम भाव का होने के कारण पत्नी के दांतों में, कमर में, पांव में, इनमें तो दिक्कत देता है, गुस्से की मात्रा को भी ज्यादा बढ़ाता है और इसके अंदर बेटा पत्नी बीमार पे बीमार होती चली जाती है, बावजूद भी तुम्हारी कुंडली में शुक्र खराब होने की वजह से वो बीमार है। अब ये तीनों ग्रह, जब तक इन तीनों ग्रह योगों का तुम इलाज नहीं करते बेटा, चाहे कामकाज की सेटिस्फेक्शन, चाहे जमा पूंजी, चाहे पति पत्नी वाले सुख और पत्नी का स्वास्थ्य, इन सब के अंदर दिक्कत रहेगी। और ये अगर दिक्कत रहेगी तो बेटा मकान बनाने के लिए पूंजियां भी कहां से इकट्ठी होंगी, अगर इकट्ठी होंगी भी तो बिखरने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहला उपाय, अपने घर में जो तुम्हारे घर की दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा के अंदर 2-4 बोरे मिट्टी के लाके उनको डाल लो दक्षिण दिशा की दीवार के साथ, और उसके अंदर एक मटका दबा दो और उसका मुंह बाहर को रहना चाहिए, उसको पानी से भर दो। पानी से भरने के बाद उसके अंदर 5 मुट्ठी चावल डालो और 5 मुट्ठी ही उसके अंदर गुड़ डाल दो, यानी कि 1.25 किलो के करीब वो गुड़ डाल के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसे रखो और हर रोज सुबह उसका तुमने ढक्कन उठाना है और जितना पानी कम हो गया उतना और डालना है। इस तरह से बेटा तुमने 43 दिन लगातार इस मटके को वहां पर दबा के रखना और इसका पानी कम नहीं होने देना और 43 दिन बाद ये मटका उठा करके चाहे मंदिर में दे देना चाहे चल प्रवाह कर देना। ठीक है, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय बेटा, अपनी पत्नी के वजन के बराबर ज्वार लेकर के बेटा उसको मंदिर में दो और अपनी पत्नी को कहो कि हर रोज वो मंदिर में जरूर जाए और गाय के देसी घी का दीपक वहां पर जला करके जरूर आए। तीसरा, तुम्हारा कर्म स्थान अंधा बेटा, इसको ठीक करने के लिए बेटा जो दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, साल में 2 बार 10-10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को बेटा तुमने खाना जरूर खिलाना है और 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल तुमने जल प्रवाह करनी है। जिस दिन बेटा ये उपाय तुम्हारे हो गए उस दिन के बाद तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे, घर से बीमारी कलेश ये मिट जाएगा। लेकिन अब जिंदगी के अंदर सदा बहुत अच्छी तरक्की पाने के लिए अब मंगल को साथ के साथ अच्छा करते रहो और उसका उपाय है कि हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालो। मात्र इतने से उपाय कर बेटा जिंदगी का सारा बुरापन समाप्त हो जाएगा, जिंदगी के अंदर पूर्ण रूप से खुशहाली आएगी। दाता सो। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे किचन के मसालों से जुड़े हुए सबसे खास गुरु मंत्र की। ज्यादातर देर के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भाग्य बदलने वाले किचन के मसालों की। गुरुदेव, क्योंकि आज हम किचन की बात कर रहे हैं, मसालों की बात कर रहे हैं, तो यकीनन आज महिलाएं तो बहुत ही गौर से हमारा शो देख रही होंगी, तो महिलाओं के जुड़ा हुआ ही कोई सवाल कर लेते हैं क्योंकि महिलाओं का बहुत इंटरेस्ट होता है खूबसूरत दिखना है, अच्छा दिखना है, तो आप कुछ ऐसे नुस्खे बता दीजिए, कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए जिससे कि सुंदरता बढ़ सके। बेटा सबसे पहले सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए क्या कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो।
तो ऐसे में बेटा सबसे उत्तम छोटी इलायची और बड़ी इलायची का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जो आपकी स्किन के ऊपर सुंदरता बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करेगी। और अकेला शुक्र यानी कि दही, दही के अंदर काली मिर्च का प्रयोग करना इंसान के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी बराबर रूप से काम करता है। यानी कि काली मिर्च डाल के दही खाना सबसे उत्तम इलाज ये बनता है बेटा। उसके बाद में बेटा चेहरे के ऊपर अपनी चमक को बढ़ाने के लिए, ग्लो को बढ़ाने के लिए आप जितना ज्यादा मुलट्ठी और हल्दी का प्रयोग करेंगे आपके लिए उतना ही उत्तम रहेगा। जो लोग ज्यादातर मुलट्ठी, आप मुलट्ठी को सिर्फ ज्यादा नहीं, एक महीना लगातार थोड़ी सी रोज हर रोज इतना सा टुकड़ा लेकर के उसको मुंह में रख के चूसना शुरू करें, और इसे सुबह और शाम दो बार जरूर चूसे। आप देखेंगे कि एक महीने के बाद आपको लोग कहते नहीं थकेंगे कि ये चेहरे के ऊपर इतना ग्लो कहां से आया, क्योंकि ये बृहस्पति की वो वस्तु है जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को ये पूर्ति करता चला जाता है, और जिसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जानी शुरू हो जाए उसके शरीर से रोग निकल जाते हैं और चेहरे की चमक अपने आप बढ़ती है और ज्ञान भी बढ़ता है, समझे, याद रखने की ताकत भी बढ़ती है, और मियां बीबी वाले जो निजी सुख होते हैं उनके अंदर भी ये खास तौर पे काम करता है, समझ गए, यानी कि हमारे अंदर का ये कैल्शियम को भी बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए बेटा मुलट्ठी का सेवन सबसे उत्तम, आप ये करके देखो बेटा, रोग भी दूर जाएंगे, पारिवारिक रिश्ते भी बहुत अच्छे बनेंगे, और याद रखने की ताकत अच्छी होने के कारण कामकाज भी बहुत अच्छा। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल आपको करना है, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आपको फोन करना है। गुरुजी, आप मसालों से जुड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, आपने सौंदर्य भी बढ़ा दिया, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी बातें बता दी। मुझे जरा ये बताइए, क्या कोई ऐसा भी मसालों का उपयोग हो सकता है कि जो हमारे स्वास्थ्य पर ही बुरा असर डाले, स्वास्थ्य हमारा बिगड़ जाए उससे? बिल्कुल बेटा, ऐसा भी होता है जी। अब जैसे काली मिर्च है शुक्र और शनि से मिश्रित, और ये दोनों दुश्मन है चंद्रमा के। अब अगर ऐसे में काली मिर्च को अगर हम दूध के साथ लेते हैं तो बेटा आंखें किसी भी रूप में खराब हो सकती हैं, और मियां बीबी वाले सुख भी, इनके अंदर भी किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है और बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए काली मिर्च का किसी भी तरह से प्रयोग दूध के साथ भून के नहीं करना चाहिए, देसी घी के साथ में भी अगर हो सके तो अवॉइड करो बेटा, ठीक है, ये चीज। इसी प्रकार से बेटा जो इलायची है, इलायची का प्रयोग अगर आप मुलट्ठी के साथ मिलाकर के करते हैं तो ये भी खराब है, समझ गए। इसी तरह से इलायची और मुलट्ठी कभी भी इकट्ठे नहीं खाने चाहिए, इससे आपकी बुद्धि भ्रमित होगी, आपको एक आभास होगा कि आपका ज्ञान वाकई में बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब दूसरे आपके ज्ञान को सुनेंगे तो उसके अंदर खोखलापन झलकेगा और आपकी बात दिख जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा बुद्धि को भगाने वाले ग्रह हैं। तो दोनों का प्रयोग करने के साथ ही आपकी बुद्धि आपके काबू में नहीं रहेगी। इसी वजह से बेटा अगर जिन दिनों के अंदर आप मुलट्ठी का प्रयोग करें उन दिनों के अंदर छोटी इलायची का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और जिन दिनों में इलायची का प्रयोग करें उन दिनों के अंदर मुलट्ठी का प्रयोग बिल्कुल सकफर्जित है। इसी प्रकार से अब अगर तेज पत्ता अगर मान लो आंखों की खराबी की वजह से या आपकी स्किन की प्रॉब्लमों की वजह से या आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए तेज पत्ता खा रहे हैं तो उन दिनों में आपको भूल के भी लौंग का प्रयोग नहीं करना, लौंग का प्रयोग नहीं करना, और साथ में जीरा और साबुत धनिया इन दोनों को मिक्स करके बेटा इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना। ये अगर इकट्ठा ज्यादा मात्रा में, देखो अगर गरम मसाला है और उसमें थोड़ा थोड़ा सब डाला है तो चलेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर इसका प्रयोग करते हो तो तब ये नुकसानकारक हो जाएगा। इसीलिए अपने इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए एक ही प्रयोग अपने लिए संभव बनाए, और ऐसा ना हो कि आप इलायची भी बहुत खा रहे हैं, उसके बाद तेज पत्ता भी बहुत खा रहे हैं, उसके बाद जीरा या धनिया भी लेते हैं, उधर मुलट्ठी भी लेते हैं, तो बेटा इस तरह से नहीं, एक एक करके, समझे, यानी कि एक हफ्ता इसे दे दिया तो बाद में 10 दिन उसे दे दो, अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से इनको ज्यादा मात्रा में लो, वो ज्यादा फायदा देगा। नहीं तो गर्म मसाले के अंदर आप सारा पीस के उसको आप प्रयोग करेंगे, वो नुकसानदेह नहीं रहेगा।
गुरु जी, क्योंकि मसालों का आज हम बात कर रहे हैं, किचन की बात हम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए खास शो आज है, तो ये आप बताइए, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, हेयर फॉल की बहुत दिक्कत आती है, बाल बहुत झड़ते हैं, जिससे महिलाएं बहुत टेंशन में आ जाती हैं। जब मसालों की बात आप कर ही रहे हैं, तो कोई ऐसा मसाला भी बता दीजिए जिससे बाल झड़ने बंद हो जाए। इसके लिए शुक्र, शनि और बुध, इन तीनों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। शुक्र से हमारी ये जो ऊपरी त्वचा है बेटा, ये भी देखी जाती है, और बुध से पूरी त्वचा देखी जाती है, और शुक्र त्वचा के अंदर की जान होता है, और साथ में शनि, शनि बाल यानी कि हमारे आयरन, आयरन को मजबूत करना और बालों को अच्छा मजबूत करना और स्वस्थ सुंदर बनाना यानी कि शनि के कारण होगा। तो अब शुक्र, बुध और शनि को मजबूत कैसे करें? सबसे पहले बेटा, बुध और शनि मिश्रित ये जो मसाला है वो है बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना बालों को अच्छा रखता है, ठीक है। शुक्र, शुक्र को अच्छा करने के लिए बेटा आमचूर का प्रयोग करना, यानी कि आम का जो वो चूर्ण बना देते हैं बेटा, वो खट्टे वाला, उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा रखना, ये भी बालों को और अच्छा करने का काम करता है। और एक बात और बता दो, मसालों की तो बात हो ही रही है, जो लोग खास तौर पे ये बरसात के मौसम के अंदर आम का प्रयोग करते हैं, उनके बाल भी बहुत अच्छे रहते हैं। कारण क्या है? आपने सुना होगा कि आम गर्म होता है। हाँ जी, आम गर्म भी होता है, लेकिन ये बुध और शनि की मिश्रित वस्तु होने के कारण इसका प्रयोग जो भी कोई करता है उसके बाल हमेशा ही अच्छे रहते हैं। और सिर्फ बाल ही अच्छे नहीं रहते बेटा, जोड़ों के अंदर भी अगर कोई बड़ी तकलीफें हैं तो वो आम के प्रयोग से वो भी खत्म होती हैं। तो बेटा बालों के लिए और जोड़ों के लिए आमचूर का प्रयोग, काली इलायची का प्रयोग और आम खाना, ये बहुत ही उत्तम असर देता है। और खासतौर पर अगर काली मिर्च भी इसके अंदर आप इस्तेमाल करते हो तो और उत्तम हालात आपको प्राप्त। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ हरिद्वार से विकास राणा लाइव जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल कीजिए। गुरुदेव, मेरा नाम विकास राणा है, मैं हरिद्वार में रहता हूँ। मेरी जन्म तिथि 9 सितंबर 1987 है। गुरुदेव, सरकारी नौकरी के लिए मैंने इंटरव्यू दिए हैं, एक दो बार टेस्ट पास करके इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, इंटरव्यू में जाकर रह जाता हूँ। गुरुदेव, ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरा सरकारी नौकरी में नंबर आ जाए, इंटरव्यू मेरा अगले महीने भी होने वाला है सरकारी जॉब के लिए, कि मेरा उसमें नंबर आ जाए और मेरा घर में सुख शांति बनी रहे। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन अगर हैं तो उसको खराब करने वाला योग भी है, यानी कि चंद्र ग्रहण, चंद्र और राहु का मिलकर के ये पांचवें स्थान पर बैठा हुआ तुम्हारी सरकारी नौकरी के अंदर बाधाएं, तकलीफें दे रहा है, जिसके कारण होते होते भी काम सक्सेस नहीं होंगे। सूर्य लाभ स्थान के अंदर बैठे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें सरकारी जॉब मिले। तो बेटा, अगर तुम इस चंद्र ग्रहण का उपाय करके बुध का उपाय करते हो तो बेटा तुम्हारी सरकारी नौकरी की जो कवायद है वो बिल्कुल सफल होगी और उसके बाद में यह सुख मिलेगा। इसके लिए उपाय करना है बेटा, तुम्हें तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के अपने गले के अंदर धारण करो, और दूसरा बेटा, चार नारियल पूजा वाले लेकर के उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल लगा करके उसको जल प्रवाह करो, और 27 दिन लगातार 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम कूजा मिश्री जो धागे वाली होती है वो लेकर के बेटा, और सफेद सूती कपड़े में लपेट करके उसको मंदिर में दे दो या जल प्रवाह कर दो। जैसे ही ये चंद्र राहु यहाँ से हटेंगे और सूर्य प्रबल होंगे बेटा, तुम्हारी सरकारी नौकरी की कोशिश पूरी तरह से कामयाब होगी। ऐसे में बेटा, जितना ज्यादा मंदिर में जाओगे उतना ही सुख और नौकरी के हालात उतने ही जल्दी बनेंगे और उतना ही सुख बढ़ेगा। तो इसीलिए हर रोज मंदिर जरूर जाओ और उपाय इतने करो, सरकारी नौकरी का रास्ता खुल जाएगा। फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव पंजाब से। गौरव जी, स्वागत है आपका। पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का वक्त बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम गौरव है, मैं मुख्यर से बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 मई 1995 है जी, और मेरा जन्म मुख्यर शहर में हुआ है, सुबह के 1:15 AM। गुरु जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो अभी तक ही की है और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, और मेरे को सर गुरु जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी जॉब जल्द से जल्द मेरे को मिल जाए। और गुरु जी, मेरे पिताजी का कारोबार है कपड़े का,
वो ना रुक रुक के चलता है, यानी कि कभी चलता है कभी नहीं चलता। और हमारे घर में कले क्लेश बहुत रहता है, और मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी अभी तक शादी नहीं है। बस बेटा बस, बाकी सब कुछ मैं बता देता हूँ, चिंता मत कर बेटा। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, ये कुंडली एक बिजनेसमैन की कुंडली है, नौकरी वाले की कुंडली नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो बेटा। और दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ का बेटा केतु राहु ये खराब है और पितृ दोष है, और इसके अंदर कहते हैं कि पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं और भाइयों को भाइयों का सुख नहीं, ये वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो बेटा ये दो योगों का जब तक इलाज नहीं करता तब तक कामयाबी नहीं। पहला उपाय, अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले तुम्हें हर 3 महीने के अंदर जल प्रवाह करने हैं। दूसरा, 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उनको या तो जल प्रवाह करके आओ बेटा, या उनको जंगल में गिरा के आओ। और ध्यान ये रखना है कि जब इनको लेके जाओगे तो सामने से तुम्हारा कोई भी खून का ताल्लुकदार ना आए, वरना उसको तकलीफ हो सकती है। ये और अपने कानों के अंदर सोना धारण करो, तुम भी और तुम्हारा भाई भी। और कुत्ता अगर घर पे पालते हो तो इससे उत्तम कोई चीज हो नहीं सकती। और साथ ही हर रोज दूध दही या देसी घी का तिलक अपने माथे पे लगाओ। अब तो हो गया ये। और तीसरा बेटा, अब तुम अगर किसी भी बिजनेस के अंदर उतरते हो तो तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी बुलंदी मिलेगी। शर्त एक है कि हर साल 4 दिन लगातार खाली मटका ढक्का लगा के तुमने जल प्रवाह कर, मात्र इतना सा उपाय कर बेटा। और किसी भी तरह के ऐसे काम के अंदर जिसके अंदर लेबर से काम करवाए जाते हैं वो काम सबसे बढ़िया है। किसी भी तरह के लेन देन के काम, वो भी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर तुम बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हो उसके लिए भी बढ़िया, और ये करो और जिंदगी के अंदर सदा सुखी बसो, खुश रहो। हमारे इस खास शो के जरिए आप गुरुदेव से सीधा संपर्क कर सकते हैं, सीधा उनसे बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी का समाधान जान सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना भाग्य खुद जानना चाहते हैं तो अपने फोन में टेल माय लक ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना भविष्य खुद जानिए। गुरु जी, बहुत ही विशेष जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। फिलहाल चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव। गौरव जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप गुरुदेव से सवाल कर सकते हैं। गुरु जी, मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 2004 और टाइम है 4:49 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है पठानकोट, पंजाब। गुरु जी, मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी के पढ़ाई और उसके कैरियर के बारे में कंफर्म करना था। बेटा, तुम्हारे बच्चे की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव बहुत ही स्ट्रांग होकर के बैठे हुए हैं, और जिस बच्चे की कुंडली के अंदर बिल्कुल स्ट्रांगली बृहस्पति देव धन भाव के अंदर बैठते हैं, उस बच्चे का काम होता है मोटिवेशनल गुरु बनना, किसी भी तरह का ट्रेनर बनना, किसी भी तरह की लिखाई पढ़ाई को पढ़ाने वाला बनना। और खास तौर पे जो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव काम होते हैं, जैसे कि बहुत ही खास तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना, बेटा ये सारे काम तुम्हारे बच्चे की कुंडली के अंदर है, बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मंगल और राहु का उपाय करना पहले बहुत जरूरी है, ताकि कर्म स्थान अगर अच्छा होगा तो ही पिता की कमाई अच्छी होगी और तो ही अपनी कमाई के रास्ते बहुत ही उत्तम अवस्था में खुलेंगे। और वो उपाय है 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर जौ और सरसों ये भरकर और उसके ऊपर ढक्कन लगा के सीमेंट से उसको बंद कर देना है 1 दिन पहले, और अगले दिन उस लोटे को जाके जल प्रवाह कर देना है। इस प्रकार से 43 दिन लगातार जौ और सरसों मिट्टी के लोटे में भर के ढक्कन बंद करके उनको जल प्रवाह करना है, पहला उपाय ये। दूसरा उपाय, पीतल के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के पीतल का ही ढक्कन लगा के इसके सोने वाले कमरे के अंदर जरूर रखो, और हर चंद्र ग्रहण पे इसके 4 नारियल पूजा वाले, 400 ग्राम साबुत बादाम, 400 ग्राम काले तिल और 400 ग्राम सफेद तिल ये लेकर के, और 400 ग्राम ही सरसों का तेल इसके अंदर मिक्स करना है, और 40 सिगरेट प्लेन जो बिना फिल्टर के होती है, जिसके पीछे फिल्टर नहीं लगा होता, ये सब आपस में मिक्स करके इसके सर से 7 बार उतार के चंद्र ग्रहण के मध्य के अंदर अगर तुम जल प्रवाह करते रहे तो बेटा तेरे बच्चे की पढ़ाई निर्विघ्न बहुत अच्छी और बहुत काबिलियत भरा बच्चा तेरा बनेगा, ठीक है। और मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि किसी भी तरह का ये अगर टीचर बनती है, ट्रेनर बनती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है, तो बेटा इसके लिए बहुत ही उत्तम हालात रहेंगे और जिंदगी के अंदर अच्छा नाम कमाएगी, खुश रहो। गुरुदेव, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है, आज का शो हमारा खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह ही आप हमारे दर्शकों को आज का गुरु मंत्र दीजिए, और साथ ही साथ मसालों से जुड़ा हुआ हमारे महिलाओं के लिए जो खास गुरु मंत्र होगा वो आप बताइए।
आज अगर बात खाने पीने की हो रही, ये किताबें बाजार से आम मिलती हैं कि कौन सा मसाला किस बीमारी को दूर करता है। समझिए, आप इन किताबों के अनुसार अपने घर के अंदर जो पिसने वाला गरम मसाला है उसके अंदर की वसुओं को ज्यादा और कम करें। जिस बीमारी को ठीक करना हो उससे संबंधित जुड़ा हुआ मसाले के बेटा मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा के रखें, और जिन बीमारियां नहीं है उनसे संबंधित जो मसाले की वसुएं उनको कम करके रखिए। आप अगर इतना भी करके रखते हैं ना बेटा, तो घर से बीमारियां दूर रहेंगी, स्वस्थ रहेगा, और सिर्फ स्वस्थ स्वास्थ्य ही स्वस्थ नहीं रहेगा, बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी, वर्किंग भी स्वस्थ रहेगी, और ये अगर स्वस्थ रहेगा तो घर के अंदर कलेश भी नहीं होगा। समझिए, और बेटा यानी कि मसाला अगर आप इसे थोड़ी सी समझदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं, और बाजार के अंदर बहुत सारी किताबें हैं लेकिन मैं नाम ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन आप खुद ढूंढ सकते हैं कि उसके अंदर साफ तौर पे लिखा होता है कि इस बीमारी के अंदर अगर इस मसाले का प्रयोग करें तो इसमें लाभ होता है। बेटा वो किताब अपने घर में लाओ, इन बीमारियों से बचो, अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी रखो, और स्वयं भी सुखी खुश रहो। तो आज का शो देखने के बाद किचन में काम करते हुए आपकी सोच बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगी। स्वाद बढ़ाने वाले मसालों के इस्तेमाल से आप न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत को भी बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। बस आपको गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखना है और उपाय करते रहने हैं। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः।